बहुत अच्छा लगता है। लोग पिकनिक पर जाते हैं, मेरा समझो पिकनिक यहीं पर हो जाता है। इनकी खिदमत में पूरा दिन यहाँ पर नीचे बैठते हैं, दाना खाते हैं बहुत माशाल्लाह से। सुबह से लेकर शाम तक ये सारे कबूतर दाना खाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं इनके लिए यहाँ पर दाने बेचता हूँ। लोग आकर मुझसे सवाब की नीयत से दाने लेकर इनके लिए डालते हैं। कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? एक साल मुझे हो गया। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कबूतर आते क्या कैसे आपको लगता है? कबूतर आते हैं, चिड़िया आते हैं, गुगू आते हैं यहाँ पर, और शाम तक इनका पानी का भी शुक्र बंदोबस्त हो जाता है। आप खुद करते हो? जी मैं भी करता हूँ, लोग भी खुद से पानी लाते हैं सवाब की नीयत से। मैं भी अपना बंदोबस्त कर लेता हूँ जब लोग नहीं लाते। दिन में कितने आपके ग्राहक आते हैं यहाँ पर? आ जाते हैं माशाल्लाह, बहुत से ग्राहक आ जाते हैं। मतलब दिन का कितना आपका ये बिक जाता है? 2000-1500। मेरा नाम जफर इकबाल है, मैं कोयटा से हूँ। ये हमारे कोयटा का एक मारूफ चौक है, बड़ा रशकश वाला जगह है, इसका नाम है कोयला फाटक। ये जो कबूतर आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूँ गुजारिश करूँगा कि ज़रा आपको दिखा दें। ये कबूतर ये हमारे यहाँ जो है मेहमान के तौर पे आते हैं, और ये इनकी जगह है जहाँ पे लोग जो है इनको दाना वगैरह का डालते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश भी है कि इनको दाना दूंगा डाला करें। ये हमारी सदका जारिया भी है और सदका भी है, और उसके अलावा ये कबूतर ये हमारे यहाँ की खूबसूरती भी पेश करते हैं और हमारे अंदर का रवैया भी पेश करते हैं। तो आप लोग सब लोगों से गुजारिश है कि इनका ख्याल करें, इनको मारने से गुरेज करें, इनको दाना दूंगा डाला करें, पानी डाला करें, और अल्लाह पाक इसका अजर भी आपको देगा और ये हमारी खूबसूरती भी है, और इससे आपकी इंसानियत के अंदर का भी जाहिर हो रहा है।